हाय, गुड आफ्टरनून। एक्चुअल थोड़ा सा मन मिजाज सही नहीं है। कल यहाँ जो हादसा हुआ वो सुन के सबसे, और पता भी चल रहा कि क्या हालत है बहुत उसके साथ। तो मैं अभी जा रही हूँ सुखदेव विहार फोर्टिस हॉस्पिटल। एक्चुअल मेरी एक फ्रेंड है, बहुत चाहती है, बहुत प्यारी है वो, उसका हार्ट सर्जरी हुआ है। तो आज अगर मैं ना जा पाऊँगी तो कल से फिर मैं बहुत बिजी हो जाऊँगी। हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, सबको मालूम है। तो मैं जा रही हूँ अभी इस समय हॉस्पिटल। आज थोड़ा सा मन उदास हो गया यही सब बातों से, फिर मैं वहाँ से आके देखती हूँ क्या करती हूँ। लेकिन सब कोई स्वस्थ रहे, खुश रहे, सबके साथ अच्छा हो। ये जो हो रहा है ये सब सही नहीं है, फिर भी जिंदगी है, चलना ही पड़ेगा। तो मैं चल रही हूँ सुखदेव विहार फोर्टी। पहुँच गई मैं मेट्रो स्टेशन, जा रही हूँ मैं बोटानिकल, वहाँ से फिर चेंज, फिर जाऊँगी सुखदेव विहार, फिर वहाँ हॉस्पिटल होके वापस आऊँगी। आज थोड़ा लंबा ही काम है, देखती हूँ पहले हॉस्पिटल पहुँचूँ। फिर पहुँच गई मैं फोर्टिस हॉस्पिटल। अभी मेरी फ्रेंड्स आ रही है, सुजाता, शोम्पा, जिसे मैं देखने जा रही हूँ। शी इज़ अ फाइटर, बहुत ही अच्छी है वो, प्यारी है। बस सब प्रे करो, दुआ करो वो जल्दी ठीक हो के घर जाए। बस हम पहुँच रहे हैं अभी, फिर उससे मिल के वापस जाऊँगी घर जल्दी जल्दी, क्योंकि किया अकेली है। तितली की ऑफिस रीत तो होता ही नहीं है, किया की तबीयत खराब रहता है। तो मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी वापस जाने की। मैं पहुँच रही हूँ बस। आसपना भाई तो गेस्ट आसपना, एक तो प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेबल लगा उचित। चुप बंद करो, आइस क्लोज आइस क्लोज आइस क्लोज। अरे आईब्रो ब्लैक हो गया। आइस क्लोज आइस क्लोज। ओए भाई बाबा जी, मुझ 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 देखी, ओए मुझ देखी, ऊपर करो লিপস্টিক ফিপস্টিক লাগাতে হবে কোথাও। দেখো দাড়ি কাটা হয়ে গেল, চুল কেটে দিয়েছিস? লিপস্টিক লাগিয়ে দিই, লিপস্টিক দাও দাও, লিপস্টিক দাও দাও। নুরবে না ফের মাসকারা আইশ্যাডো, লিপস্টিক 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 দাও দাও দাও, লিপস্টিক উন কল উন কল। হ্যাঁ বলে তোমার ছোট পুরো লিপস্টিক শেষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ মাসকারা লাগিয়ে দে, একটু এই লাগিয়ে দি, ব্রাশ লাগিয়ে দি। মেয়েদের মতো একদম সুন্দর হয়ে থাকো তুমি, তো সুন্দরী মেয়ে না, सुंदर होता है ना। तो मैं आज बनाऊंगी आलू पोस्तो। बांग्ला की आलू पोस्तो तो सबने सुने होंगे, सबकी डाउट है कि आलू पोस्तो होता क्या है। तो पोस्तो एक्चुअल मीनिंग है खुशखुश, जो यहाँ बोलते हैं खुशखुश, पोस्ता दाना। बहुत महंगी चीज़ होते हैं तो लोग यहाँ, मैंने बहुत कम देखे है किसी के यहाँ बनते हुए। कलकत्ता में तो ये मतलब खाना ही खाना है, हर किसी की यहाँ बनता है। तो ये बहुत तरह की सब्जी बनता है, आलू से बनता है, तरोई में बनते हैं, फिर वो क्या बोलते हैं भिंडी में बनते हैं, नॉन वेज में भी अंडा बनता है, तो बहुत टेस्टी है। मैं कभी अंडा भी बनाऊंगी पोस्ता देखे। तो आज मैं बना रही हूँ आलू पोस्तो। आलू पोस्तो आप लोग देखिए कैसे बनता है, और अच्छा लगे तो ज़रूर बना के खाइए, और मैं एकदम श्योर हूँ कि अच्छे लगेंगे। ये है पोस्ता दाना, पोस्ता दाना ये आप देखो, ये होता है पोस्ता दाना। पोस्ता दाना इसको पहले मिक्सी में सूखा पीसा जाता है, अगर मिक्सी में आप पीसो तो, और अगर आप सिलपट्टे में पीसो तो कैसे भी मर्जी, लेकिन मिक्सी में अगर आप शुरू में ही पानी डाल दोगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं पहले इसको सूखा पीसती हूँ, उसके बाद जैसे थोड़ा सा पीसने लगता है
तो मैं उसमें पानी देके हरी मिर्च देती हूँ, फिर एक बार और पेस्ट बनाती हूँ। जब बनाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी। लेकिन ये पोस्ता दाना ये हर जगह मिल जाता है, हर दुकान में मिल जाता है, बहुत टेस्टी होता है। आलू पोस्ता बनाने के लिए ना आलू आप ऐसे पीस में कटे, बॉक्स टाइप की, ठीक है? साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन छोटा में ही होगा, बड़ा पीस आलू पोस्ता होता नहीं है। एक ही साइज की बॉक्स टाइप की ऐसे कट करना पड़ता है आलू को पोस्ता के लिए। आलू पोस्तों के साथ मैं बनाऊंगी आज मसूर की दाल। ये छोटे दाना वाला मसूर होता है, ये बंगला दुकान में मिलता है, बंगाली शॉप में, छोटे दाने वाले मसूर की दाल। मसूर की दाल बनाऊंगी मैं, मसूर की, या हमारे बंगला में बोलता है मसूरी दाल। तो मसूर की दाल बनाऊंगी मैं प्याज और लाल मिर्च की छौंका लगा के। तो ये है मेरा आज का मसूर का दाल और आलू पोस्तो रेसिपी बनने जा रहा है। पोस्ता दाना के लिए ना मुझे थोड़ी सी प्याज चाहिए, इतना। ये जो प्याज मैंने ली, इससे मैं पहले थोड़ा सा, इसमें बहुत कम, इतना सा नमक दे के इसको मैं पूरा ऐसे करूं तो ये प्याज सारा ओपन हो गया, सारा खुल जाता है, अलग अलग बन हो गया। थोड़ा सा हल्की हाथ में नमक लो, बस ये मेरा हो गया। पोस्ता आलू के लिए सबसे पहले ये प्याज मैंने तैयार कर ली। अब मैं पोस्ता पीसूंगी। ये मैंने पोस्ता ना मतलब आधी पीसी हुई है, जब सूखा हालत में पीसते हैं, सूखे में, अभी मैंने पानी नहीं डाले तो ऐसे होता है इसका, ठीक है? ये खुरदुरा सा। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च और थोड़ी सी नमक। ये बहुत याद रखना है कि कहाँ कहाँ मैं नमक डाल रही हूँ। और डालूंगी इसमें मैं पानी, ठीक है? अब पानी डालने के बाद मैं इसको थोड़ी और पानी डाल दू, एक बहुत अच्छा सा पेस्ट बनाऊंगी जो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, एकदम स्मूथ सा। सबसे पहले तेल हो रहा गरम, हो गया तेल गरम, मैं इसमें डालूंगी वो प्याज जो नमक के साथ था। बहुत याद रखना है कि हर चीज में क्या क्या है, इसमें हल्की सी नमक है। और सरसों तेल में मैं प्याज को अच्छे से भून लूंगी, थोड़ा सा रेडिश होना चाहिए बस। प्याज मेरा भूंज गया, प्याज को मैं ऐसे निकाल लूंगी, ठीक है? पूरा तेल से प्याज को निकाल के अलग से रखना है, बिल्कुल, ठीक है? प्याज भूंज गया, अब ये तेल हो गया गरम, इसमें मैंने दे दिया लाल लाल, दो लाल मिर्च, दो सिंपल, दो लाल मिर्च, बहुत गरम हो गया तेल, ठीक है? फिर बंगाल में एक मिलता है छौके के लिए, उसको कहते हैं पांच फोरन, पांच फोरन बोलते हैं, मतलब पांच तरह की चीजें उसमें होते हैं, जो यहाँ बहुत मिलता है, आजकल हर दुकान में मिलता है पांच फोरन। तो मैं पांच फोरन का कुछ चीजें नहीं है, जो है वो दे दिया मैंने, मैं खुद बना के दिया। अब मैं डालूंगी इसमें वो आलू, आलू को मैं धीरे धीरे फ्राई करूंगी, जब तक फ्राई होते रहेगा मैं आपको दिखाती हूँ। आलू जब तक जब यहाँ तक तो फ्राई हो जाए, मतलब लगभग लगभग फ्राई हो जाए, अब थोड़ी सी इससे काट के देखो, ये काटता नहीं है पर सॉफ्ट हो चुका है। तो इस समय मैं दूंगी इसमें नमक और हल्दी। नमक मैंने दे रही हूँ, ये है नमक, याद रखना है मैंने पोस्ता में भी नमक दिया, प्याज में भी, प्याज में और पोस्ता में दोनों में नमक है, पर है तो आलू की सब्जी तो इससे नमक ज़्यादा ही चाहिए होता। और दूंगी मैं इसमें हल्दी, बहुत कोई है आलू पोस्ता में हल्दी डालते नहीं है, पर मेरी बेटी को नहीं पसंद सफेद सब्जी, इसलिए मुझे हल्दी डालना जरूरी है, तो मैंने डाल दिया नमक और हल्दी। अब मैं इसे फिर से ढक दूंगी, ऐसे भूंजते भूंजते ना ये आलू मतलब मानो कि उबाल ही जाएगा, ये आलू को मैंने फिर से ऐसे ढक दूंगी, थोड़ा सा और होना है इसका, ठीक है?
मैंने आलू को ढक दिए और गैस थोड़ा सा मैं सिम कर दूंगी। अब आलू लगभग उबल गया, लगभग। एक आलू को अगर मैं ऐसे काट के दिखाऊं तो समझ में आएगा, ये है ना, ये देखो सॉफ्ट हो गया आलू, ठीक है। तो मैं इसमें क्या दूंगी अब, ये पोस्ता पीसा हुआ, और इसे अच्छे से मिलाओ। आहा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर खुशबू है इसकी। और पहले से मैंने इसमें मिर्च दे रखी है, 3 मिर्च, और लाल मिर्च भी 2 दे रखी है। तो मुझे इसमें कोई अलग से कोई मिर्ची पाउडर चाहिए नहीं, और दे रखा है मैंने नमक हल्दी, बस। अब मैं इसके बाद कभी भी कोई भी सब्जी में मैं ठंडी पानी नहीं डालती हूँ, ये मेरा रूल है। तो मैं इसमें डालूंगी गुनगुना सा पानी। और इसे भी धो के गुनगुना सा पानी इसमें डालूंगी, फिर थोड़ा टाइम छोड़ दूंगी ऐसे ही बिना ढक। अब आप इसे सूखा खाओ कि थोड़ी सी हल्की सी ऐसे रस्सेदार खाओ। खाना किस चीज के साथ ये भी देखना है, चावल में या रोटी में, तो चावल में ये खाया जाता है। और हमारे यहाँ एकदम सूखा नहीं चलता है, थोड़ा सा हमें ऐसे रस्से वाला चाहिए। और इतना ये देखो स्मूथ है। इसमें मैं एंड में क्या करूंगी वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं ऊपर से थोड़ा सा बहुत कम सरसों की तेल डालूंगी, मस्टर्ड ऑयल बहुत कम। हो गया, गैस कर दी मैंने कम। अब इसे मैं जब उठाऊंगी किसी बर्तन में, उसके ऊपर वो जो प्याज मैंने बना के रखा है ना, उसे इसके ऊपर डाल दूंगी। अभी मैं साफ करते हुए फिर से दिखाऊंगी। ये बन गया मेरा आलू पोस्तो। अब मैं मसूर की दाल को छौंका लगाने जा रही हूँ, बहुत ही सिंपल। एक लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, कटी हुई प्याज, ज्यादा नहीं क्योंकि मेरा दाल ज्यादा नहीं है, हम दाल कम बनाए। प्याज थोड़ा बारीक कटना चाहिए वरना वो मजा नहीं आता है, ये इतने बड़े बड़े पीस नहीं होना चाहिए। ये हो गया, थोड़ी सी मैं और जीरा डालूंगी, जीरे का खुशबू अच्छा लगता है। हो गया, प्याज लाल मिर्च और जीरा भून गए। अब मैं डाल दूंगी इसमें मसूर की दाल, जिसमें नमक और हल्दी पहले ही से डाला हुआ है। बस बन गया दाल, दाल बन गया, पोस्ता आलू, आलू पोस्तो बन गया। अब चावल बनेंगे, फिर हम डिनर करेंगे। तो बन गया मेरा आज का डिनर, ये है आलू पोस्तो और ये मसूर का दाल। आलू पोस्तो बहुत टेस्टी होता है, मसूर की दाल के साथ और भी टेस्टी हो जाएगा। तो आज की मेरा डिनर कम्प्लीट, मैं अभी जा रही हूँ डिनर करने, फिर आप लोग भी डिनर करें। तो मेरा डिनर आज बन गया आलू पोस्तो और मसूरी डाल। तो हमारा आज के डिनर आलू पोस्तो और मसूरी डाल तैरी হয়ে গেছে, আমার ভাতও হয়ে গেছে। এবার আমি যাচ্ছি ডিনার করতে, তোমরাও সবাই খাও ভালো করে, ভালো ভালো টেস্টি টেস্টি রান্না করো। আমার আলু পোস্তর রেসিপিটাও একবার ট্রাই করো, আমি শিওর কি সবার ভালো লাগবে। আর কি বলি, সবাই ভালো থেকো, সবার জন্য অনেক শুভেচ্ছা, আর সবার জন্য শুভরাত্রি, গুড নাইট সবকে লিয়ে। আচ্ছে আচ্ছে খানে বানাইয়ে আর খাইয়ে আর বাস মস্ত রইয়ে সবকে লিয়ে, বহুত সারে শুভকামনাও কে সাথ গুড নাইট।